हर आंगन की शोभा है तुलसी के पत्ते। जी हाँ, पवित्र तुलसी के पत्ते जो हम पूजा पाठ में हमेशा इस्तेमाल करते हैं, चाहे कोई कथा हो चाहे कोई पूजा हो, मंदिरों में हम इसका चन्नामृत लेते हैं। तुलसी के पत्ते हमारे पेट के लिए बेहद फ़ायदेमंद होते हैं और ये बड़ी तेज़ी से मेटाबॉलिज्म सिस्टम को दुरुस्त करते हैं। इसके अलावा तुलसी के पत्ते गैस, एसिडिटी या विभिन्न प्रकार के डाइजेशन से जुड़े डिसऑर्डर में भी राहत देते हैं। बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन, तुलसी के पत्तों में बॉडी को डिटॉक्स करने की अच्छी क्षमता होती है। इससे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। रोजाना तुलसी जी का पानी पीने से टॉक्सिन्स शरीर से बाहर निकल जाते हैं और इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। तुलसी का पानी पीने से पाचन से जुड़ी समस्याएं भी कोसों दूर रहती है। बेहद रोचक जानकारी है, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। रोजाना सुबह खाली पेट तुलसी की पत्तियों को सीधा पौधे से तोड़कर खाना आपके पेट के साथ बुखार, दिल से जुड़ी बीमारियां, बैक्टीरियल संक्रमण जैसी समस्याओं से राहत दे सकता है। आप तुलसी की पत्तियों और बीज का चूर्ण बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपकी पाचन शक्ति और भूख बढ़ाने के साथ ब्लड को प्योरीफाई करने में भी मदद करता है। सुबह खाली पेट 2 से 3 तुलसी के पत्ते को अच्छे से धोकर खाने से इसके अनगिनत फायदे मिलते हैं। ज़्यादातर लोग घर में तुलसी जी तो रखते हैं पर उसका इस्तेमाल करना भूल जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के आधार पर हम हिंदू परिवारों में तुलसी के पेड़ को पूजा जाता है और उन्हें हर रोज़ श्रद्धा के साथ जल चढ़ाया जाता है। हालांकि तुलसी के पत्तों का प्रयोग भारत के अलावा दुनिया भर में देशों में किया जाता है। आयुर्वेदिक में इसे बहुत ही गुणकारी औषधि माना जाता है। तुलसी के सेवन से शरीर के किसी भी हिस्से में खून का जमाव, प्रतिरक्षा को बढ़ाने के अलावा सर्दी खांसी जुकाम को भगाने में भी राहत मिलती है। ज़्यादातर लोग इस प्रक्रिया को न जानने के कारण इसके पूरे फायदे नहीं ले पाते हैं। इसको खाने का भी एक विशेष तरीका होता है। तुलसी के पत्ते चबाने से आपके दांत खराब हो सकते हैं, इसलिए तुलसी के पत्तों को कभी भी चबाकर नहीं खाना चाहिए। तुलसी के पत्तों में पारा और आयरन होता है जो हमारे दांतों के लिए अच्छा नहीं है। जब आप पत्तों को चबाते हैं तो तुलसी में मौजूद पारा आपके मुंह में आ जाता है जो आपके दांतों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए इसको चूस के चुई करके ही सीधा घटक जाना चाहिए। तुलसी की पत्तियां प्राकृतिक रूप से थोड़ी अम्लीय यानी एसिडिक होती है जिससे दांतों की दर्द की शिकायत हो सकती है, इसलिए आयुर्वेद में तुलसी को चबाने से मना किया गया है। तुलसी का सेवन आप इस प्रकार से बहुत अच्छे से इसका फ़ायदा ले सकते हैं। इसे आप चाय बनाकर पी सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप पानी में तुलसी के पत्ते डालें, उसको उबलने दें। इसके साथ साथ आप इसमें और भी स्पाइसेस डाल सकते हैं और उसके बाद सवेरे सवेरे खाली पेट इसका सेवन कर सकते हैं। 1 कप पानी में तुलसी के पत्तों को डालें, इसमें शहद की कुछ बूंदें मिलाएं। इससे आपका स्ट्रेस दूर होता है, इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। यह नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करते हुए ब्लड फ्लो को सुधारता है। तुलसी के पत्तों से सिर दर्द में भी राहत मिलती है। स्ट्रेस व सिरदर्द की परेशानी से निपटने के लिए रोजाना सवेरे खाली पेट 2 से 3 तुलसी के पत्तों का सेवन जरूर करना चाहिए। आप तुलसी के पत्तों को सुखाकर भी प्रयोग ला सकते हैं। इन पत्तों का आप तुलसी पाउडर बना लें, इसमें घी मिलाकर चपाती के साथ खाएं। 2 चम्मच घी में 1/2 चम्मच तुलसी पाउडर मिलाकर ले सकते हैं। इसे आप रोटी और दाल में भी डाल सकते हैं। पेट में जलन हो तो तुलसी के पत्ते काफ़ी आपको मदद करते हैं। तुलसी की पत्तियां गर्म तासीर की होती है, इसलिए ज़्यादा तुलसी खाना नुकसानदेह हो सकता है। तुलसी की पत्तियों में मौजूद कुछ गुण आपकी ब्लड क्लॉटिंग की समस्या को दूर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका खून पहले से ही पतला है तो आप तुलसी के पत्तों का सेवन ना करें, क्योंकि इसके सेवन से आपका खून और पतला हो सकता है। इसके अलावा अगर आपका खून पतला करने वाली दवा का सेवन कर रहे हैं तो भी तुलसी के पत्तों का सेवन ना करें, डॉक्टर की राय जरूर लें। रोजाना थोड़ी मात्रा में तुलसी का सेवन आपके हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण होने के कारण तुलसी त्वचा के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर आपके चेहरे में ब्लेमिशेज हैं, झाइयाँ हैं,
आँखों में नीचे कालापन है, उसके लिए तुलसी की 10 से 12 पत्तियों को अच्छे से आप धो लीजिए। उसको ओवरनाइट एक पानी में, साफ़ सुथरे पानी में उसको ढक के रख दें। सवेरे उस पानी को आप आधा पी लें और आधे से अपने चेहरे को धो लें। ये प्रक्रिया आप लगातार रोज करिए, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ऐसी वीडियो शेयर ज़रूर करें।